अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना एग्रीगेट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, केमिकेट का अपना आपने एग्रीगेट फाइंड करना होगा। एग्रीगेट फाइंड करना है इसलिए ताकि आपको पता चले कि मेरा मेरिट लिस्ट में कैसे नाम आता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। केमिकेट का ऐसा होता है जब हर एक कॉलेज का, ठीक है, अभी आपने केमिकेट में अप्लाई किया ना, तो अभी केमिकेट टेस्ट आपने दिया, तो इसके बाद आपको केमयू के एडमिशन फॉर्म फिल करने होंगे। ठीक है, वहाँ आपने फिल जब बताना होगा कि मैंने केमिकेट मार्क्स इतने लिए हैं और FSC के मार्क्स ऑलरेडी आपने अप्लाई के दौरान अपलोड किए हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसीजर हम चैनल पे हमने वीडियो डाली हुई है, तो आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने केमयू के एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो वीडियो हमने चैनल पे लगाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने दूसरे प्राइवेट कॉलेज मतलब RMIU नॉर्थ वेस्ट में कैसे अप्लाई करना है, तो उनके भी अलग अलग वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अच्छा, आपने जब केमयू के एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया ना, तो वो आपका एग्रीगेट बनाएंगे। एग्रीगेट कैसे बनाते हैं, आपका 50% आपके FSC मार्क्स लेंगे, 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स लेंगे और 40% आपका केमिकेट के मार्क्स लेंगे। ठीक है, इन सब का जो एग्रीगेट बनता है ना, वो एग्रीगेट आपका मार्क्स होगा। वहाँ पे आपसे मतलब कोई पूछेगा कि मतलब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका केमिकेट मार्क्स कितने आपके, वहाँ पूछेगा अपना आपका एग्रीगेट क्या है। ठीक है, सिंपल से यही बात है। तो उसी हिसाब से ना मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से लगेगा। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा एग्रीगेट होगा उसका मेरिट में उतना हायर नेम होगा। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा एग्रीगेट हाई होगा उसका नाम सबसे फर्स्ट आएगा। ठीक है, एक लगता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ऐसा होगा। ठीक है, उसके पास सारे प्रोग्राम्स का अलग अलग मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है, उसमें अलग अलग उस बंदे का नाम ज़्यादा आएगा, जिसका मतलब 100 सीट्स हैं तो पहले मिनट में पहले 100 लोगों को जिनका एग्रीगेट ज़्यादा हो तो उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, वो सब इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिले। ठीक है, तो चलते फाइंड करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट आपने कैसे फाइंड करना है, एग्रीगेट आपने फाइंड करना है कैलकुलेटर ओपन करके। फर्ज करें आपका आपके FSC के मार्क्स हैं 988। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 40 FSC के 50% है ना, डिवाइड बाय 1100। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, 44.91 आपका FSC के मार्क्स आ गए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, केमिकेट का मैंने आपको बताया FSC का 50% आपने लेना है। ठीक है, इसके बाद केमिकेट फर्ज करें आपका केमिकेट के मार्क्स आए 70। ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 100 थे, तो क्या आता है 28। ठीक है, 44.91 FSC के मार्क्स आए थे और 28 क्या है, केमिकेट के मार्क्स आ गए। ठीक है, परसेंटेज आ गया। इसके बाद मैट्रिक के, तो 980 ले लो मल्टीप्लाई बाय 10, वो 10 लेते हैं हम। ठीक है, डिवाइड बाय 1100। ठीक है, ये क्या आता है, 8.91। ठीक है, अब ये सब आप ऐड करो, 8.91 प्लस 28 प्लस 44.91, तो ये देखिए आपका एग्रीगेट क्या आता है, 81.82 आपका एग्रीगेट आता है। ठीक है, तो इसी तरह आपने अपना एग्रीगेट फाइंड करना है और वो याद रखना है। ठीक है, तो आपको जब हम आपको लिए एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट अपलोड करेंगे ना इसी चैनल पे, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपने कौन से फील्ड में अप्लाई करना है, कौन से प्रोग्राम में। ठीक है, क्योंकि आजकल मेरिट लिस्ट बहुत हाई चलते हैं और बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी बहुत हाई चलता है कभी बहुत लो चलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने एग्रीगेट के हिसाब से और हम जो आपको एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट और सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपने एग्रीगेट आप फाइंड करें और इंशाल्लाह केमिकेट रिजल्ट जो है वो तकरीबन तीन दिन के अंदर अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। और आपको केमयू के हवाले से मज़ीद अपडेट्स चाहिए, तो हमने नीचे हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें पर्सनली कोई आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।